हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और राइटर सईद लतीफ सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। सईद लतीफ ने 1948 में आई मूवी जिद्दी से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में देव आनंद, कामिनी कौशल, कुलदीप कौर, चंदा और प्राण शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 55 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल सईद लतीफ की एक और मूवी आई शिकायत। इस मूवी के लीड कास्ट में श्याम, राज मेहरा, अमित भट्ट और आगा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1950 में सईद लतीफ की मूवी आई आरजू। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, शशिकला, नीलम, आरिफ और राम शास्त्री शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 45 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 80 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमिट रही। 1951 में सईद लतीफ की मूवी आई बुजदिल। इस मूवी के लीड कास्ट में निम्बी, किशोर साहू, कन्हैया लाल, सोनाली बेंद्रे, रतन कुमार और प्रेमनाथ शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1952 में सईद लतीफ की मूवी आई शीशा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमर, नरगिस, अचला जसदेव, कुमकुम, विमल कुमारी और सज्जन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1953 में सईद लतीफ की मूवी आई फरेब। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, जोहरा सेगल, शकुंतला, ललिता पवार और अमर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1954 में सईद लतीफ की मूवी आई दरवाजा। इस मूवी के लीड कास्ट में शेखर, श्यामा, नासिर हुसैन, प्रतिभा देवी और लीला मिश्रा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1955 में सईद लतीफ की मूवी आई सोसाइटी। इस मूवी के लीड कास्ट में इफ्तिखार, निम्मी, कुमकुम, विक्रम कपूर और नासिर खान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1958 में सईद लतीफ की मूवी आई सोने की चिड़िया। इस मूवी के लीड कास्ट में देव आनंद, अशोक कुमार, नूतन, चंदा, प्रतिभा देवी, प्रहलाद सैनी और तलक महमूद शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1966 में सईद लतीफ की मूवी आई पिकनिक। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज कुमार, शोभा कोटे, लता सिन्हा, रजिया सुल्तान और बद्री प्रसाद शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सईद लतीफ की एक और मूवी आई बहारें फिर भी आएंगी। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, तनुजा, मुमताज बेगम, देवन वर्मा, रहमान और जॉनी वॉकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1968 में सईद लतीफ की मूवी आई जवाब आएगा। इस मूवी के लीड कास्ट में आन उस्तमानी, मीना रॉय, रविकांत, योगेश और दुर्रानी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमिट रही और यही अब तक की सईद लतीफ सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको सईद लतीफ सर की कौन सी मूवी पसंद है और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल और मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक।